हम मानते हैं मंदिर का विवाद न्यायालय में था, लेकिन वहां की सड़कों को तो चौड़ा किया जा सकता था ना, वहां के घाटों का पुनरुद्धार किया जा सकता था, अयोध्या वासियों को बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी, वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था, विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था, कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो? महोदय ये तो मुद्दा नियत का है, हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। हमने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हम लोग अयोध्या भी गए, प्रदेश के हर जनपद में गए। अगर मैं अयोध्या और काशी गया हूं तो नोएडा और बिजनौर भी गया हूं। अयोध्या को इसलिए अभिषिक्त कर दिया गया था कि वोट बैंक कट जाएगा, और नोएडा और बिजनौर इसलिए लोग नहीं जाते थे कि वहां से जाने पे कुर्सी से उतर जाएंगे। हमने कहा इन चारों जगह तो जरूर जाएंगे, इसलिए भी जाएंगे कि भाई अयोध्या इसलिए जाएंगे हमारी आस्था का स्थल है और ये मेरा सौभाग्य है और मेरी सरकार का सौभाग्य है कि अयोध्या का भव्य दीपोत्सव जो आज राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है, राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है, उसको हमारी सरकार को शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने शुरू किया, आज वो एक नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। अयोध्या को उसकी एक पहचान दिलाई गई, अयोध्या भी हम लोग गए, कोई संकोच नहीं किया। लोग बोलते थे कि मामला, हमने कहा विवाद एक स्थल विशेष का होगा, न्यायालय में सुनवाई हो रही है, लेकिन अयोध्या का विकास और वहां की जनता को, वहां आने वाले श्रद्धालुओं को आप वंचित कैसे कर सकते हैं सुविधाओं से। हम लोग गए, नोएडा और बिजनौर के भी बारे में मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? कहा कि मुख्यमंत्री उतर जाते हैं, तो मैंने कहा जो कल होना है वो आज हो जाए अच्छा है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। मैं दोनों जगह भी गया। जब व्यक्ति के व्यक्ति स्वयं शाश्वत नहीं है तो फिर कुर्सी किसकी शाश्वत रहेगी? वो जरूर जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर, क्योंकि नोएडा भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है और बिजनौर भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है, मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन हम लोगों ने कोई भेद नहीं किया,